नमस्कार, मैं बबली कुमार। आज भारत के 80% ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसका आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटर बंधु हैं, ये शिक्षित नहीं है, इसके चलते इनका आवाज़ दबाया जा रहा है। और बहुत सारे जो ऑपरेटर नहीं हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर किसको बोला जाता है। बहुत सारे सोचते हैं कि भैया कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है क्या ये लोग, ये किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो संस्था बना है ऑपरेटर एकता सहायता फंक्शन। तो ये हम ये जो बात है क्लियर करेंगे हम आप सभी को। यह संस्था जो जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, यह उन मजदूरों के लिए आवाज़ उठाती है जिन पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको सही समय से वेतन नहीं दिया जाता है, उनको एक समान वेतन नहीं मिलता है, उनको दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता नहीं मिलता है, उनको एक जब उनको वेतन नहीं मिलता है ना, 3-4 महीना 5 महीने के बाद उनको वेतन मिलता है, कहीं कभी कभी उनको वेतन मिलवे नहीं करता है। आप लेबर कोर्ट कोई ऑपरेटर जो शिक्षित है ऑपरेटर लेबर कोर्ट जाते हैं, लेकिन लेबर कोर्ट में भी सुनवाई नहीं है। हम ये देखिए लेबर कोर्ट का जो पेपर हम यहाँ पर डालते हैं, एक ऑपरेटर का 1,55,000 फंसा है, लेकिन इनका अभी तक सुनवाई नहीं हुआ लेबर कोर्ट से भी। संस्था जो बना है इनके हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाती है और इनका एक साथ चाहिए। इनका ये संस्था जो बना है खुद ऑपरेटर ने मिलकर बनाया है। यह एक संस्था जो बना है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इसका ऑब्जेक्ट यही है, ऑपरेटर को एक सही समय से वेतन दिलाना, ऑपरेटर को एक समान वेतन दिलाना, ऑपरेटर को दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिलाना और संस्था की तरफ से भी देना, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन की तरफ से। यही एक इसका एक मुख्य उद्देश्य है और ये भारत में हर जगह लागू करना है। बहुत सारे कंपनी क्या करती है, ऑपरेटर पर या मजदूर पर किसी पर भी उनको सैलरी स्लिप नहीं देती है, कहीं कहीं उनको पीएफ नहीं देती है, मेडिकल का फैसिलिटी नहीं देती है, संडे को छुट्टी नहीं देती है। ये सब ये बहुत बड़ा सवाल है भारत में, इसलिए भारत तक तरीके नहीं कर रहा है। एक कोई अमीरे बन जा रहा है, बाकी सब गरीबी पर रह जाते हैं। 100 में से 1 अमीर बन रहा है तो वो अमीरे बन रहा है और बाकी जो 99 हैं गरीबी का गरीबी रह रहा है। कि आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। अगर हमारे आवाज़ में सच्चाई है तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए, आप लोग एक दूसरे ऑपरेटर को समझाइए और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़िए, क्योंकि यह संस्था जो है केवल मजदूर के लिए बना है, इस पर मेहनत करती है। इसमें जो टीम भी है वो खुद ऑपरेटर है, खुद एक मजदूर है, अपना मशीन चलाकर अपना वक्त समय निकाल के इस संस्था के लिए काम करती है, ऑपरेटर मजदूर के लिए काम करती है। बहुत सारे ऑपरेटर भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं, जो शिक्षित नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बात है शिक्षित ना रहने का, शिक्षित नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं संस्था के बारे में कि हाँ हमारी संस्था जो है हमारे हित के लिए है। आज अगर ये संस्था हर ऑपरेटर को लाभ नहीं पहुँचा रही है तो आने वाले समय में हर ये संस्था हर ऑपरेटर को लाभ पहुँचाएगी। थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। आप लोग को सभी को पता है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकती है, सबको मिलकर फोड़ना पड़ेगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा। एक लकड़ी अकेला तोड़ देंगे हम, लेकिन वही हम 10 लकड़ी तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एकता बनाइए और एकता बनाइए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जो मजदूर हैं, मजदूर को एक सही समय से वेतन दिलाना, मजदूर को एक समान वेतन दिलाना, मजदूर को दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिलाना, उनके संडे को उनको छुट्टी दिलाना, 8 घंटा ड्यूटी दिलाना, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको एक ओवर टाइम दिलाना, यही मेरा उद्देश्य है और यही संस्था का उद्देश्य है और यही हम इसी उद्देश्य पर चल रहे हैं। हमारे संस्था का जो ऑब्जेक्ट है MOA है, EOA है, उस पर भी यही लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि मालिक वेतन नहीं देते हैं, कंपनी वेतन नहीं देते हैं, ठेकेदार वेतन नहीं देते हैं, कहीं कहीं ऑपरेटर पर
गलत डीजल का चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत सारे मालिक कंपनी है कि आप उनको बोल देती है आप घर चला जाइए और आपका हम वेतन डाल देंगे अकाउंट में, लेकिन नहीं डालती है, एक विश्वासघात करती है। और जब भी विश्वासघात करती है ना, तो केवल ऑपरेटर पर नहीं लगता है, ऑपरेटर के पूरा परिवार पर लगता है। उनका बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब वो ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जब स्कूल नहीं जा पाएंगे, जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो क्या कुछ नहीं करेंगे हम ऑपरेटर, जो मजदूर है ना, मजदूर ही करेंगे वो। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ना कोई कलेक्टर बन पाएंगे। सरकार भी चाहती है कि गरीब गरीब रहे, नहीं तो लेबर कोर्ट में सुनवाई होना चाहिए। एक कंप्लेंट डालने पर अगर कोई भी ऑपरेटर, कोई भी मजदूर है, केवल ऑपरेटर नहीं, कोई भी अगर मजदूर है या कोई भी ड्राइवर है, अगर उनके ऊपर, अगर उनका ऊपर गलत काम नहीं किए हैं, सपोज बहुत सारे इल्ज़ाम लगता है ऑपरेटर ड्राइवर पर कि ऑपरेटर डीजल बेचते हैं, ड्राइवर भी डीजल बेचते हैं, तो सच में कहीं कहीं डीजल बेचते हैं, हम इसको नकार नहीं कर सकते हैं कि डीजल नहीं बेचते हैं, लेकिन उनको एक वेतन नहीं दिया जा रहा है ना सही समय से। जब उनको सही समय से आप वेतन नहीं दीजिएगा, तब तो गलत कदम उठेबे करेंगे। इसमें तो सरकार का दोष है, मालिक का भी दोषी है, इसमें कंपनी का दोषी है। आप उनको एक सही समय से वेतन दीजिएगा ना, अगर वो गलत कर रहे हैं उसके ऊपर एक सख्ती से कार्रवाई करिए। यह संस्था उस टाइम आवाज़ नहीं उठाएगी कि हाँ आप गलत कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ, आप उनके ऊपर एक सख्ती से कार्रवाई करिए। एक एग्रीमेंट कराइए कोई भी मजदूर के साथ, अगर कोई भी आप 6 महीना 1 साल के लिए रख रहे हैं, तो ऑपरेटर को एक सुविधा देने के लिए, हर ऑपरेटर को दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता देने के लिए सहयोग का बहुत ज़रूरत है। यह संस्था आप सभी से सहयोग मांगती है, जितना आपसे हो सके सहयोग जरूर करिए। यह संस्था एक रोजगार एप्स भी ला रही है ऑपरेटर के लिए। इसके बारे में, इसके विषय में भी बता देते हैं, जो ऑपरेटर रोजगार एप्स है, इससे हर ऑपरेटर को लाभ पहुँचेगा, इससे मालिक को भी लाभ पहुँचेगा। आपको कोई भी ऑपरेटर को आधा घंटा के अंदर आपको जॉब मिलेगा, आपको कहीं पर भी रहिए आपको एक वेरीफाई किया हुआ जॉब मिलेगा। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी वीडियो देखते होंगे या कोई पोस्ट डालता है कि यहाँ पर जेसीबी खाली है, यहाँ पर एक्सवेटर खाली है, वहाँ पर क्रेन खाली है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक्सवेटर कोई है ही नहीं। बहुत सारे ये मार्केटिंग वाले, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, ये ऑपरेटर को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि आप मेरे पास आइए, 20,000 हमको दीजिए, हम आपको जॉब देंगे, हम आपको 25,000 सैलरी देंगे, हम आपको लाइसेंस बना कर देंगे। ये जो बात अगर सच्चाई है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक दूसरे को समझाइए और संस्था से जुड़िए। देखिए, संस्था का जो फीस है, आप लोग, आप सभी को पता है, इसका फीस 500 रुपया है, केवल 500 रुपये जुड़ने का। और 500 रुपये ये संस्था लेके खाती नहीं है, ऑपरेटर का मदद करती है। आपसे जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, और हमसे कोई गलती होगा तो क्षमा करिएगा। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिए। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8092234004 पर। और YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर दीजिएगा, Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram को फॉलो कर दीजिएगा। और इसी तरह एकता बनाइए रखिए, ये आज नहीं तो कल हम लोग कामयाब जरूर होंगे। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।